आपका कोई डक्ट है ना, उसके थ्रू फ्लूड फ्लो कर रहा है, तो किस तरीके थर्मल बाउंड्री लेयर डेवलप होता है और कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर को आप कैसे कैलकुलेट करते हो, क्या एम्पिरिकल रिलेशंस होता है, ये सबको हम जानकारी यहाँ पे लेंगे। कोई जनरल ड्रग है आपको, यहाँ पे आपका फ्लूड फ्लो हो रहा है, इससे कुछ टेम्परेचर होगा टी डब्ल्यू, और ये फ्लूड फ्लो कर रहा है उससे कुछ फ्री स्ट्रीम टेम्परेचर होगा टी इन्फिनिटी। अंदर में कुछ नया प्रोफाइल बनेगा टेम्परेचर, क्यों? क्योंकि हीट ट्रांसफर होगा, ये दोनों टेम्परेचर अलग अलग है। अगर मैं बोल दूं टी डब्ल्यू इज ग्रेटर देन टी इन्फिनिटी, तो आप कह सकते हो सर कि कुछ प्रोफाइल ना सर ऐसा होगा, यहां पे टेम्परेचर है टी डब्ल्यू, यहां पे टेम्परेचर है टी इन्फिनिटी। अब दो केसेस बनते हैं, एक बनता है कांस्टेंट वॉल टेम्परेचर और एक होता है कांस्टेंट हीट फ्लक्स। केस वन, कांस्टेंट वॉल टेम्परेचर, कहाँ लिख देता हूँ मैं, यहीं लिखता हूँ, कांस्टेंट कॉन्स्टेंट वॉल टेम्परेचर मतलब हुआ कि आपका जो टेम्परेचर है इस वॉल का थ्रू आउट सेम है, वो वैरी नहीं कर रहा है, वो टी डब्ल्यू के ही इक्वल है। और कॉन्स्टेंट हीट फ्लक्स मतलब कि आपका कुछ हीट इन आ रहा है, कुछ हीट फ्लक्स आ रहा है और वो कॉन्स्टेंट है। अगर आप कॉन्स्टेंट वॉल टेम्परेचर की बात करोगे तो जो हीट फ्लक्स होगा ना, कॉन्स्टेंट वॉल टेम्परेचर में जो हीट फ्लक्स होगा इज बेसिकली अ फंक्शन ऑफ एक्स होना चाहिए। और अगर कांस्टेंट हीट फ्लक्स की बात करो, कांस्टेंट हीट फ्लक्स की बात करो, कांस्टेंट हीट फ्लक्स की अगर आप बात करो, तो यहां से जो क्यू इन आ रहा होगा ना डॉट, ये सेम ही होगा हर जगह से। लेकिन जो टेम्परेचर होगा ना इसके वॉल का, वो कांस्टेंट नहीं होगा, वो थ्रू आउट टेम्परेचर, बेसिकली टेम्परेचर जो होगा वॉल का बेसिकली वो फंक्शन होगा एक्स का, वो एक्स के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा होगा। क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं, इन सब बातों को सुनते हैं। एक चीज देखो जो कॉमन होती है ना, मतलब कि एक चीज जो होता है जो कॉमन ऑब्जर्वेशन इन दोनों के बीच, वो ये है कि जो हीट ट्रांसफर कोफिशियंट है ना, लोकल हीट ट्रांसफर कोफिशियंट, लोकल हीट ट्रांसफर कोफिशियंट एक टाइम के बाद ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है। ये है लोकल हीट ट्रांसफर कोफिशियंट, ये है आपका एक्स। तो ये कुछ होता है एंट्रेंस लेंथ, यहां तक चीजें यूनिफॉर्म नहीं होती हैं, इसके बाद हीट ट्रांसफर सब कुछ यूनिफॉर्म होने लगता है। तो इसके बाद देखो, इसलिए ऑलमोस्ट जो हीट ट्रांसफर कोफिशियंट है ना, वो ना एच एक्स is not a function of x anymore after entrance length, but it is constant. Constant है कुछ, h bar कह दो उसको, जो constant वाला जो value है। देखो कांस्टेंट वॉल टेम्परेचर के बारे में पहले हम बात करते हैं। आपको पता है आफ्टर इंट्रेंस लेंथ जो कि बहुत स्मॉल होता है, एच एक्स कांस्टेंट है, तो जो हीट ट्रांसफर हो रहा होगा, अगर कोई डिफरेंशियल एरिया आप ले लो यहां से, और फिर बाद में एक डिफरेंशियल एरिया ले लो ये यहां पे कहीं पे, बीच में यहां पर कहीं ले सकते हो आप, तो यहां से जो हीट ट्रांसफर हो रहा होगा इन, उसकी वैल्यू को आप कैसे लिख सकते हो,
लिख सकते हो आप जो हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है h इंटू डिफरेंशियल एरिया dA इंटू जो टेम्परेचर होगा इस वॉल का TW माइनस जो कुछ मीन टेम्परेचर होगा इस फ्लूड के इस एलिमेंट का. लिख सकते हो कुछ मीन टेम्परेचर होगा इस फ्लूड के एलिमेंट का. ये टेम्परेचर प्रोफाइल बन रहा है, ये टेम्परेचर का प्रोफाइल बन रहा था, लेकिन ये प्रोफाइल ना डिफरेंट डिफरेंट पोजिशन पर अलग अलग आएगा, डिफरेंट डिफरेंट पोजिशन पर अलग अलग आएगा. इसका ये जो है ना ये अलग अलग आएगा, ये हो सकता है कम हो जाए, कहीं और कम हो जाए, फिर और कम हो जाए. ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, इस बात को समझो. अभी यहां पर लिखो टीपी माइनस, ये किसके इक्वल होगा, जो 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 कन्वेक्शन का जो यहां पर रेट है आपका एम डॉट सीपी डेल्टा टी बी. ये क्या लिख दिया मैंने, मैं कह रहा हूं जितना हीट इसको मिला, इस फ्लूइड के एलिमेंट को जितना हीट मिला वो ये मिला. इसी कारण हीट में इसमें चेंज क्या आया, इसमें चेंज क्या आया, इसके टेम्परेचर में चेंज आया होगा. उसको कैसे लिखोगे आप, उस एनर्जी को कैसे लिखोगे जिस रेट से चेंज हो रहा है, उस रेट को लिख दिया एम डॉट इंटू सी पी इंटू डेल्टा टी, जो टेम्परेचर में चेंज आया उस हीट के करस्पॉन्डिंग. ठीक है, अब देखो मैंने बोला है आपको कि टेम्परेचर वॉल का तो कांस्टेंट है टी डब्ल्यू, वॉल का तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, लेकिन ये जो फ्लूइड जो आ रहा है इसका टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, इसका टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, कुछ है ना. वॉल टेम्परेचर तो कॉन्स्टेंट है ना, कॉन्स्टेंट वॉल टेम्परेचर लिया हुआ ना कि कॉन्स्टेंट वॉल टेम्परेचर. और ये टेम्परेचर किसका है, जो इसका फ्लूइड जो है इसका जो डिफरेंट डिफरेंट इस पर्टिकुलर पोजीशन पे, देखो एक पर्टिकुलर एक्स पे टेम्परेचर यहां 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 वैरी कर रहा है. क्यों, ये रहा टेम्परेचर का प्रोफाइल, ये रहा टेम्परेचर का प्रोफाइल, वैरी कर रहा है. लेकिन इन सबको एवरेज करके कुछ आप एक मीन बता सकते हो, मीन टेम्परेचर. तो मैं इस पर्टिकुलर एक्स करस्पॉन्डिंग एक मीन टेम्परेचर लिख दिया टीबी, और फिर इस तरीके से ग्राफ ड्रॉ किया तो मुझे ये मिला. और ऑब्वियसली ये बढ़ता जाएगा क्योंकि टीडब्ल्यू से हीट ट्रांसफर हो रहा है, तो ये बढ़ता जाएगा. इसका जो हीट ट्रांसफर होगा ना सर, हीट ट्रांसफर उसका जो वैल्यू है ना सर वो घटता जाएगा. क्यों, देखो सर, देखो देखो एच ए डेल्टा टी डिफरेंशियल एरिया, एच तो कॉन्स्टेंट, डेल्टा टी तो डेल्टा टी ना घटते जा रहा है, तो जो हीट ट्रांसफर जो आ रहा होगा ना इन इसमें वो घटते जा रहा होगा, घटते जा रहा होगा, पहले इतना आ रहा हो फिर घटते जा रहा होगा, घटते जा रहा होगा हीट ट्रांसफर. ये समझ में आता है, ये मैंने कैसे लिख दिया इसके लिए, ये एक डिफरेंशियल एरिया ले लो यार, डिफरेंशियल एरिया कितना इसका जो आपका इसका जो एनर्जी है इसमें कितना चेंज आ रहा है, कितना हीट इन हुआ सर, इतना हीट तो इन हुआ है, इतना मुझे पता है. इस हीट इन हुआ तो इसे हुआ क्या सर, जो इसका इसको जो हीट गेन हुआ उसी कारण सर ये इसका चेंज इन, आप एनर्जी लिख सकते हो चेंज इन हीट एनर्जी, चेंज इन इसका जो इंटरनल एनर्जी, या फिर जो भी लिखना चाहो उसको वो भी बोल दो एम सी पी डेल्टा टी, चूंकि ये डिफरेंशियल एरिया डिफरेंशियल लेंथ के लिए लिया था इसलिए डेल्टा टी बी लिख दिया मैंने. समझ रहे हैं सर ये चीज कैसे लिख दिया मैंने, इस चीज को समझ जाएंगे तो फिर तो आगे सॉल्व हो गया फिर तो. वैसे ही इसके लिए देख लो, कॉन्स्टेंट हीट फ्लक्स के लिए, कॉन्स्टेंट हीट फ्लक्स के लिए देख लो. आपको पता है कि h बार जो है आफ्टर एंट्रेंस लेंथ कांस्टेंट है फॉर बोथ द केसेस के लिए, इसके लिए भी होगा कांस्टेंट. इसके लिए अगर आप इक्वेशन लिखना चाहो तो कैसे लिख सकते हो, मान लो एक डिफरेंशियल, इस डिफरेंशियल के लिए मैं लिखना चाहता हूं, मैं क्या लिखूंगा q डॉट इसका जो भी डिफरेंशियल एरिया होगा dA, वही होगा ना, ये हीट फ्लक्स था ये dA से मल्टीप्लाई किया टोटल हीट इन मिल गया मुझे, इज इक्वल टू क्या होगा एम डॉट सी पी
जो टेम्परेचर चेंज आ रहा है वही होगा, और क्या होगा? एम डॉट सी पी डी टी बी सही है, सही है, सही है सर। कोई बात नहीं, कुछ नहीं किया जा सकता। आप ये देखो, कांस्टेंट हीट फ्लक्स जो है ये इक्वेशन लिख सकते हैं हम, और ये एच बार है, ये कांस्टेंट है। अब इस चीज को समझो कि इनिशियली टेम्परेचर जो था इस फ्लूड का वो कुछ था टी डब्ल्यू टी इन्फिनिटी, और इसका कुछ इनिशियली यहां पे कुछ टेम्परेचर रहा होगा टी डब्ल्यू। लेकिन इसका टेम्परेचर है ना यार, इसका टेम्परेचर है ना वो वैरी कर रहा होगा हर एक लेंथ के अलाउंग, अलाउंग द लेंथ वैरी कर रहा है। क्यों वैरी करेगा इस बात को समझ लो। देखो हीट इन हो रहा है, इस फ्लूड के अंदर हीट इन हो रहा है, तो ऑब्वियसली फ्लूड का टेम्परेचर तो बढ़ेगा। अंदर जो टेम्परेचर है ये तो बढ़ता जा रहा है, टीबी बल्क टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। और दूसरी बात क्या है कि जो हीट है, हीट सो क्या लिखते हो आप, एच ए डेल्टा टी, डेल्टा टी अगर आप एक डिफरेंशियल एरिया के लिए लिखोगे, डीए डिफरेंशियल एरिया के लिए लिखोगे तो उसका क्या लिखोगे, डेल्टा टी है ना। तो ये जो है ना ये कांस्टेंट है यार, क्यू डॉट, एक डिफरेंशियल एरिया से यहां से डिवाइड कर दो इसको, ये क्यू डॉट यही तो हीट फ्लक्स है, यही तो मैं बोल रहा हूं कांस्टेंट है इसमें, ठीक है। और एच तो कांस्टेंट है, तो डेल्टा टी कांस्टेंट हो गया यार, कांस्टेंट हो गया। किसके किसके बीच का डेल्टा टी है, डेल्टा टी क्या है यार, इस वॉल और इस फ्लूड का जो मीन टेम्परेचर है यही तो डेल्टा टी है, ये कांस्टेंट हो गया। लेकिन साथ साथ आपको ये पता है टेम्परेचर डिफरेंस तो कांस्टेंट हो गया, टेम्परेचर डिफरेंस तो कांस्टेंट हो गया, लेकिन टेम्परेचर ऑफ द फ्लूड बढ़ते जा रहा है, क्योंकि हीट गेन कर रहा है ना, हीट गेन कर रहा है, टेम्परेचर ऑफ फ्लूड बढ़ते जा रहा है। लेकिन टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन फ्लूड एंड द वॉल ये कांस्टेंट है। अब देखो इसका प्रोफाइल कैसा बनता है, ये ना यार यही टेम्परेचर डिफरेंस है। देखो ये कांस्टेंट है, क्यों, ये दो स्ट्रेट लाइन है, ये दो स्ट्रेट लाइन है, ये टेम्परेचर डिफरेंस ना कांस्टेंट है, ये टेम्परेचर वर्सेस एक्स ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, ये मेरा इंट्रेंस लेंथ है, इंट्रेंस लेंथ है, एच बार कांस्टेंट है, डेल्टा टी जो होगा कांस्टेंट हो गया, डेल्टा टी मेरा कांस्टेंट हो गया, टी डब्ल्यू है और ये टी ऑफ द फ्लूड है, या फिर इसको टी फ्लूड बेसिकली, यही टी बल्क, बल्क टी बी मतलब क्या, बल्क मीन टेम्परेचर, बी फॉर बल्क मीन टेम्परेचर, इसीलिए क्या मीन टेम्परेचर लिख सकते हो ना यार, टेम्परेचर इसका यहां पे प्रोफाइल कैसा होगा, ऐसा होगा इसका टेम्परेचर प्रोफाइल तो हर एक क्रॉस सेक्शन पे, लेकिन मुझे तो एक एवरेज टेम्परेचर चाहिए तो ही ना मैं यहां पे रिप्रेजेंट कर पाऊंगा एक पर्टिकुलर एक्स से करस्पॉन्डिंग, समझ रहे हो बात। इसके बारे में लिखिए, जस्ट लाइक वेलोसिटी ऑफ फ्लूड लेयर being a function of r at a particular cross section, similarly in a duct, in the duct temperature of fluid layers also would be function of r at a particular cross section, TB जो यहां लिख रहा हूं, TB is the bulk mean temperature.
दैट इज एवरेज टेम्परेचर ऑफ द फ्लूड एट ए पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन. The thermal energy transported by the fluid through the cross section, through a particular cross section, the thermal energy transported through a particular cross section is thermal energy transported through a particular cross section is m dot Cp into temperature of the bulk mean temperature Tb. यही होता है ना यार, heat energy associated ट्रांसपोर्ट. अगर आप कोई हीट ट्रांसपोर्ट कर रहा है तो उससे एसोसिएटेड कितना होगा, यही होगा एम सी टी, बेसिकली रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट एम डॉट. अब ये लिख लो इन दोनों के बारे में, केस वन. केस वन से पहले ये लिख लो एक जनरल स्टेटमेंट इसके बारे में, बिकॉज ये तो कॉमन है दोनों के लिए. वंस द फ्लो इज फुल्ली डेवलप्ड डेट इज आफ्टर एंट्रेंस लेंथ each and every fluid layer, each and every fluid layer throughout the cross section of the pipe shall begin to receive heat, shall begin to receive heat. Coming from the wall, coming from the wall of pipe, coming from the wall of pipe. Local heat transfer coefficient remains constant after the entrance length for both the cases. अब लिख लो कांस्टेंट हीट फ्लक्स के लिए, कांस्टेंट हीट फ्लक्स के लिए ड्यूरिंग कांस्टेंट हीट फ्लक्स डी क्यू इज कांस्टेंट, ऐसे लिख देना बस, एक डी क्यू इज कांस्टेंट, एच एक्स इज कांस्टेंट, hence
ये लिख लो क्यू डॉट इज इक्वल टू एच डेल्टा टी। क्यू डॉट इक्वल्स टू एच डेल्टा टी। Therefore, delta T is constant. In the direction of flow. समझ में आया ना यार कैसे कांस्टेंट हो रहा है? नहीं सारे ही एच कांस्टेंट है, सब कांस्टेंट तो क्या डेल्टा कांस्टेंट होगा? लिख दो ड्यूरिंग कांस्टेंट वॉल टेम्परेचर कंडीशन, कांस्टेंट वॉल टेम्परेचर कंडीशन सिंस एच एक्स इज कांस्टेंट, सिंस एच एक्स इज कांस्टेंट TB increases in the direction of fluid flow because fluid is gaining heat from the wall. Gaining heat from the wall and delta T value must be decreasing in the direction of heat flow. In the direction of fluid flow. Fluid flow. Hence, local heat flux must be decreasing in the direction of fluid flow. देखो यहां पे टी डब्ल्यू कॉन्स्टेंट है, टी डब्ल्यू कॉन्स्टेंट तो जो हीट फ्लक्स है वो डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है ना डेल्टा टी से, वहां से सोच सकते हो ये था टेम्परेचर डिफरेंस था, ये एच तो कॉन्स्टेंट है तो ये डिक्रीज, और जब कॉन्स्टेंट हीट फ्लक्स है, जब कॉन्स्टेंट हीट फ्लक्स है तो जो टेम्परेचर है टी डब्ल्यू ऑफ द वॉल, टी डब्ल्यू ऑफ द वॉल वो इंक्रीज कर रहा है। ठीक, ये दोनों केस ना साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, क्यों? बिकॉज देखो विरोधाभास है, विरोधाभास है, ये कुछ है तो उसका उल्टा, देखो ये टी डब्ल्यू कॉन्स्टेंट है तो डी क्यू डिक्रीज कर रहा है, तो आप दोनों ये नहीं बोल सकते हो कि मैं कांस्टेंट हीट फ्लक्स भी रख रहा हूं और कांस्टेंट वॉल टेम्परेचर भी रख रहा हूं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसको इंटीग्रेट कर सकते हो क्या पूरा? ये तो क्यू डॉट कांस्टेंट है, क्यू डॉट कांस्टेंट छोड़ दो, इनटू एरिया डीए, डीए कौन सा कितना लेंगे हम, डीए को इंटीग्रेट करो,
कितना हो जाएगा? पूरा कर्व सरफेस एरिया? यही यही यहीं से ना हीट ट्रांसफर हो रहा है यार, यहीं से क्यों आ रहा है ना? ये क्या हुआ? 2 पाई आर इंटू, इसको पाई डी इंटू एल भी कह सकते हो, कोई दिक्कत? एम डॉट सी पी इसको इंटीग्रेट कर दो, जो मास फ्लो रेट आ रहा है इन, वो तो ठीक ही है। सी पी टी डेल्टा टी बी मतलब क्या? टेम्परेचर जो यहां इनलेट का है, टी बी एट इनलेट, टी बी एट आउटलेट, बेसिकली टेम्परेचर गेन किया होगा, तो टी बी आउट माइनस टी बी इन लिखूंगा मैं, ठीक है? सिंपली इक्वेट कर दिया मैंने, इक्वेशन मेरा बन जाता है बिल्कुल सिंपल तरीके से। एच तो मेरा कांस्टेंट है, अगर मैं लिख दूं यहां पे, इसको मैं इक्वेट कर सकता हूं इसके बिना यार, एच ए डेल्टा टी से भी इक्वेट कर सकता हूं। डेल्टा टी जो है वो मेरा कांस्टेंट है, एच का वैल्यू मेरा कांस्टेंट है, और ए का वैल्यू कितना होगा? यही होगा यार, और क्या होगा? यही होगा ना, ये दो क्यू डॉट की जगह एच डेल्टा टी, एच डेल्टा टी लिख दिया और कुछ नहीं लिखा, वही लिखा, ठीक है? यहां देख लो, यहां थोड़ा इक्वेशन लंबे बनेंगे, यहां इक्वेशन थोड़ा लंबा बनेगा। कॉन्स्टेंट वॉल टेम्परेचर टी डब्ल्यू कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट हो गया ये। टी बी वेरी कर रहा है क्या? अब ससुर यही है, ये तो वेरी कर रहा है, ये इसी का ये डिफरेंशियल है, इंटीग्रेट कर सकते हो क्या इसको? करो इंटीग्रेट, एरिया ए ले लो, कुछ होगा एरिया ए, ठीक, किसी एरिया ए तक कर दिए हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं। एल एन टी डब्ल्यू माइनस टी बी है ना, और ये माइनस एक बाहर आएगा, माइनस एक बाहर आएगा, माइनस में था ना, माइनस टी डब्ल्यू था ना, बाहर आएगा, प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कुछ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होगा, ये एग्जैक्टली जीरो पे मत लेना यार, कुछ यहां पे वैल्यू लेना, टेम्परेचर जीरो पे कभी नहीं, देखो अभी एब्सोल्यूट टेम्परेचर ले रहे हैं ना, केल्विन में ले रहे हैं, जीरो मत लेना, कुछ होगा वैल्यू। और ये कौन सा पोजीशन है? x इक्वल टू जीरो है ना, यहां पर टेम्परेचर टी आई टी बी आई, और टेम्परेचर का वैल्यू कितना? टी बी का वैल्यू टी बी आई, टी बी आई, ये जीरो हो गया, ये क्या हो जाएगा आपका? एम डॉट सी पी एल एन टी डब्ल्यू माइनस टी बी आई इज इक्वल टू सी है ना, उठाओ पटक दो उसको वहां पे, पटक दो उसको वहां पे, एच ए एम डॉट सी पी एल एन टी डब्ल्यू माइनस टी बी आई टी डब्ल्यू माइनस टी बी, क्या क्या इसमें नोन है? सब कुछ नोन है, क्या नहीं नोन है? टीबी, यही तो फंक्शन, टीबी का ही तो फंक्शन बना रहे हैं यार,
एक चीज देखो, मैं क्या लिखता हूं, टोटल क्यू एच ए डेल्टा टी लिखता हूं ना यार, एच ए डेल्टा टी, टी डब्ल्यू माइनस टी बी, लेकिन बेसिकली ये टी बी तो वेरी कर रहा है, तो एक डिफरेंशियल एरिया डी ए के लिए एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पे मैं लिख सकता हूं, ये बात मैं एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पे लिख सकता हूं। और क्या लिख सकता हूं इसको, इक्वल टू एम डॉट सी पी टी बी नॉट माइनस टी बी आई। आउटर पे टेम्परेचर होगा कुछ, इनर पे टेम्परेचर होगा, ये लिख सकते हो, लिख दो यहां वैसे करो, मल्टीप्लाई कर दो टी बी नॉट माइनस टी बी आई से, यहां भी मल्टीप्लाई कर दो टी बी नॉट माइनस टी बी आई से। क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूं, एम डॉट सी पी टी बी नॉट माइनस टी बी आई बनाना चाहता हूं इसलिए मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ये बना दो, ठीक है, बचता क्या है, ये क्या बच गया, क्यू, यही ना क्यू है दोनों प्रोडक्ट, इसको उठाओ यहां पटक दो नीचे, टी बी नॉट माइनस टी बी आई अपॉन एल एन टी डब्ल्यू माइनस टी बी आई अपॉन टी डब्ल्यू माइनस टी बी, और यहां इंटू क्या है एच ए। एलएमटीडी है यार, एलएमटीडी वही है, कंडेंसेशन है केस, लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस कैसे बोलते थे, डेल्टा टी आई माइनस डेल्टा टी नॉट होल डिवाइड बाई एलएन डेल्टा टी इनलेट अपॉन डेल्टा टी एग्जिट, एलएमटीडी। यार याद करो, ये वही केस लग रहा है क्या कि एक तरफ इवोपरेशन हो रहा है या कंडेंसेशन हो रहा है, और जहां पे इवोपरेशन कंडेंसेशन होता था वहां टेम्परेचर कांस्टेंट सैचुरेशन टेम्परेचर पे ही होता था ना यार सब, तो ये देखो टेम्परेचर कांस्टेंट एक तरफ और एक तरफ दूसरा प्रोफाइल टेम्परेचर का हीट कन्वेक्शन के कारण जो भी बन रहा होगा, तो हीट एक्सचेंजर टाइप का ही केस बन जाता है। तो अब हम एक चार्ट बनाएंगे जिसमें कि मैं पूरा कंप्लीट कन्वेक्शन में कैसे कैसे आपकी कोरिलेशंस होते हैं उसके बारे में हम जानकारी ले लेंगे।